जमा हुआ है। देखिए मैं बताऊं कि 4 बजे से बारिश ही बारिश पड़ रहा है, सुबह से ही बारिश पड़ रहा है। और इसके आगे में यह कि आज हम लोग इधर जाने वाले हैं, सो देख दोस्तों अभी आ चुके हैं और इसके अंदर बहुत सारे मोरे, सो देखते हैं। और दिस जस्ट बगल में ही है, वो देखे दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए बगल में है। बट हेलो दोस्तों, नमस्कार। सो दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी सुबह का 7 बज चुका, आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों मैं सोनू कुमार आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी रूम पे हूँ और मैं बता दूँ कि सुबह 4 बजे से बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ रहा, और अभी मैं 2 दिन हुआ है यानी कि दिल्ली से राजस्थान आया हूँ। और यहाँ का व्यूज मैं दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों पीछे, यानी कि बता दूँ कि बाहर जाने के मूड ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं सोचा था कि आज सुबह नहा हुआ कहीं जाना है, बट फिलहाल सुबह 4 बजे से बारिश पड़ रहा है। तो जब बारिश छूटेगा तो आज हम लोग जाने वाले कहीं मंदिर है पहाड़ वगैरह उस जगह, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे। और अभी फिलहाल खाना वाना मतलब बना लिए हैं, देखिए इधर यानी कि आलू और सोयाबीन का सब्जी बना लिए दोस्तों, इधर चावल भी बना हुआ है। और बाकी देखिए सारा दोस्त वगैरह, दोस्त क्या आए हैं, सारा सामान यहाँ पे ले रखा हुआ है। देखिए बोतल पानी है इधर है ना, और सारा नीचे मतलब कि आलू वगैरह सभी चीज़ रखा हुआ है इधर देखिए। सो दोस्तों अभी खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद नहावा के निकलेंगे, वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे, काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है। चलिए अभी छत पे लेकर चलेते हैं आप लोगों को। और देखिए दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, इस वजह से मैं बता दूँ कि देखिए, और अभी बादल भी है, बहुत सारा बादल और बारिश भी है। इधर का मौसम आप देख सकते हो, इधर का मौसम मैं बता दूं तो ठंडा है, क्योंकि उतना गर्मी नहीं है। फिलहाल जिस टाइम भी आए थे ठंडा ही था, और यानी कि हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गर्मी है, इधर नहीं है, इधर बहुत ही मौसम ठंडा है। तो देख सकते हो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए इधर नीचे खेत वगैरह है, और अभी छत पर देखिए कितना पानी वगैरह जमा हुआ है। देखिए मैं बताऊँ कि 4 बजे से बारिश ही बारिश पड़ रहा है, सुबह से ही बारिश पड़ रहा है। और इसके आगे में यह कि आज हम लोग इधर जाने वाले हैं, सो देख सकते हो। चलिए वहाँ का माहौल दिखाएंगे, नज़ारा दिखाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। सो दोस्तों अभी रूम से यानी कि रोड पे चले आए घूमने के लिए, और मैं बता दूं कि बहुत समय बाद अभी मतलब बारिश छूटा है। कितना टाइम हो गया, यानी कि अभी 4 बजने वाला है। और आप लोग को मैं दिखा दूँ दोस्तों यहाँ पर ही, यानी कि जो बगल वाले ग्राउंड है, और देखिए दोस्तों ये जो ग्राउंड है इसके अंदर बहुत सारे मोर हैं। सो आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। सो देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा सामने, वो देखिए देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा, देखिए सामने एकदम जस्ट वहाँ पर ही काफ़ी दूर में है, इसलिए ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। और चलिए कोशिश करते हैं कि आप लोग को ठीक तरह से दिखाई दे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे। चलिए अभी आगे की ओर चलते हैं। सो गाइस तो चलिए आप लोग आगे की ओर लेकर चलते हैं, और देखिए यहाँ पर एक डॉगी मिल गया। तो हालचाल क्या है डॉगी, देखिए दोस्तों अभी आगे चल रहे हैं, और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये जो इसके अंदर पार्क है तो कुछ खास नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस ऐसी है। और देखते आगे से देखते अगर वहाँ से दिख जाए तो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अभी आ चुके हैं और इसके अंदर बहुत सारे मोरे, सो देखते हैं। और दिस जस्ट बगल में ही है, वो देखे दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए बगल में, बट थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए दिखाते दोस्तों जूम करके, ये देखिए काफ़ी अंदर है, ये बहुत घना जंगल होने के कारण दिख नहीं रहा, बट आप लोग को आवाज़ सुनाएंगे। देखिए अब
और दोस्तों अभी देखिए ऊपर चढ़ गए इसके ऊपर, कोशिश तो कर रहे हैं कि आप लोगों को मैं दिखाऊं। और जस्ट आगे है वो देखिए, सामने दिख रहा होगा, मैं बता दूं बहुत ज़्यादा घना जंगल है, देखिए पूरा ही जंगल ही है, इसके अंदर बहुत सारा है बट ठीक तरह से दिख नहीं रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छी तरह से मैं दिखाऊँ। चलिए अभी देखिए किस तरह किस पे बोलना पड़ रहा है। ये देखिए बहुत सारे जंगल है, तरह गाय भैंस इधर है। दोस्तों अभी फिलहाल रूम पे चले आए क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ही मैं वीडियो बना रहा था ना मोर का, तो मतलब बाकी लोग थे तो वो मतलब मना कर दिए क्योंकि दोस्तों कह रहे थे कि पक्षी को परेशान ऐसे मत करो, तो मैंने उनको बता दिया कि नहीं मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं बस मतलब कि ज़्यादा परेशान मत करो, नहीं तो फिर वो मतलब बहुत सारा उस जंगल में बहुत सारा मोर था दोस्तों। और अभी फिलहाल हम रुक गए हैं और देखिए शाम हो चुका है, तो अभी खाना वाना सब बना के रख दिए हैं। इधर देखिए रोटी इधर है, इसमें सब्जी, और देखिए काफ़ी शाम भी हो चुका है दोस्तों, तभी हम रूम पे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ, आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।